दोस्तों, राजकुंद्रा पॉर्न मामले में क्राइम ब्रांच किसी भी तरह की रियायत देने के मूड में नजर नहीं आ रही है। शिल्पा शेट्टी से एक पूछताछ हो चुकी है, एक बार और पूछताछ की जाएगी और इससे पहले शिल्पा शेट्टी के फोन के साथ कुछ किया जाएगा। उसका फोन क्लोन किया जाएगा, यानी कि उसके फोन से जितना भी डेटा है वो दूसरे फोन में लिया जाएगा और उस डेटा की फॉरेंसिक जांच करवाई जाएगी। उस डेटा से भी कहा जा सकता है कि जो चैट्स वगैरह हैं, जिन्हें अगर डिलीट कर दिया गया है, या कुछ मेल्स हैं या कुछ मनी ट्रांजेक्शन्स हैं जिनको डिलीट करने की कोशिश की गई है, तो फोन क्लोनिंग के बाद सारा डेटा लिया जाएगा और उसके बाद जो डिलीटेड डेटा है उसको भी रिट्राइव करने की कोशिश की जाएगी और ऐसा होने के बाद क्राइम ब्रांच एक बार फिर से शिल्पा शेट्टी से पूछताछ करेगी। यानी कि राज कुंद्रा ऑलरेडी क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में है और अब शिल्पा शेट्टी पर भी शिकंजा कसता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि राज कुंद्रा के ऑफिसेस और घरों पर जब ये छापेमारी चली है तो वहां से 48 टीबी का डेटा मिला है जिसमें अश्लील फिल्में हैं। इसके अलावा शिल्पा शेट्टी से जब पूछताछ की गई तो वो भी अपने पति को सपोर्ट करती नजर आई कि राज पोर्नोग्राफिक फिल्में नहीं बल्कि वो तो इरोटिक फिल्में बनाते हैं और हॉटशॉट्स के बारे में तो उसे कोई जानकारी ही नहीं थी। साथ ही जो लड़कियां जिन्होंने राज पर एडल्ट इंडस्ट्री में धकेलने के इल्जाम लगाए हैं तो उनके बारे में शिल्पा शेट्टी ने बेशर्मी से कहा है कि इन लड़कियों ने जो कुछ भी किया अपनी मर्जी से किया और इन्हें मुंह मांगी रकम भी दी गई है। जबकि सच ये है दोस्तों कि उन्हें ड्रग्स देकर, उनके न्यूड वीडियोस बनाकर, उन्हें ब्लैकमेल कर उनसे ये गंदा काम करवाया जाता था। लानत है शिल्पा शेट्टी पर जो एक औरत होने के बावजूद न सिर्फ अपने पति के बचाव में झूठ बोल रही है बल्कि इस काले धंधे में उसका पूरा पूरा साथ भी देती रही है। शुरू से ही पुलिस को ये पता है कि राज कुंद्रा भी पूछताछ में सपोर्ट नहीं कर रहा है, वो भी मुंह नहीं खोल रहा है और शिल्पा शेट्टी भी उसी हिसाब से चलेगी जैसा उसे उसका लॉयर सिखाएगा। ऐसे में पुलिस के ऊपर एविडेंसेस इकट्ठा करने का काफी प्रेशर है। यही कारण है कि अब राज कुंद्रा के 4 एम्प्लॉय सरकारी गवाह बन चुके हैं और ये गवाह पुलिस को अब राज कुंद्रा और उसके पोर्नोग्राफिक धंधे से जुड़े कई सारे राज बता रहे हैं, जिसमें से एक राज था वो सीक्रेट अलमारी का। और जल्द ही अब बहुत कुछ सामने आने वाला है। तो जो शिल्पा शेट्टी भोली भाली पाक साफ बनते हुए इस पूरे मामले से खुद को बचाती नजर आ रही है, वो भी इस पोर्नोग्राफिक मामले में पूरी पूरी भागीदार है। उसका भी नाम सामने आ रहा है और साथ ही जो कहा जा रहा था कि शिल्पा बेचारी को तो अपने पति के बिजनेस के बारे में पता ही नहीं था, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों, क्योंकि उसे न सिर्फ पता था अपने पति के बिजनेस का बल्कि वो इस गंदे धंधे के बिजनेस में वन ऑफ द डायरेक्टर्स भी थी।